अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडनेक सॉल्यूशन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग थ्रू एमएस वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। मेनली पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फोर वेज से होती है, लाइक अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट एंड जस्टिफाई। मोर ओवर इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग, इंडेंट्स, सॉर्टिंग, पैराग्राफ शेडिंग एंड बॉर्डर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड देयर अलाइनमेंट। दिस इज अवर पैराग्राफ दैट वी विल बी सॉर्ट आउट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर्मेटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड स्टार्ट इज अलाइनमेंट। This one is aligned to left, so when I click on it, our paragraph looks like that. So also I select it and align to center. It is center alignment. Then I will select that paragraph and click on it. It is aligned to right side. मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो जो हमारा पैराग्राफ है वो सारा राइट साइड पर हो जाएगा, like that. If I select both paragraphs and justify it, so it is justify. Mainly we will use this type of alignment in our assignments and also other works. So एक और चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है ये लाइन स्पेसिंग। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारे जो लाइन्स हैं पैराग्राफ्स के उनमें स्पेस कितनी हो, सो पहले हम इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ये लाइन स्पेसिंग का ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 1.0 लाइन स्पेसिंग भी आ सकती है, 1.15, 1.5, 2.5 एंड 3। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लाइन स्पेसिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो ये लाइन में जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे 1.5 सेलेक्ट कर लेती हूँ तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग इस तरह हो जाएगी। एक और चीज़ जो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं वो होता है इंडेंट्स। ये यहाँ पे हमारे पास दो इंडेंट्स के हैं, ये डिक्रीज इंडेंट्स हैं और ये इंक्रीज इंडेंट्स हैं। सो अब हम इसको देखते हैं इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो मैं राइट इंडेंट पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें सारा पैराग्राफ हमारा राइट साइड पर चला गया। इसी तरह मैं सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और उस पर लेफ्ट इंडेंट पर क्लिक करूँगी तो हमारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी है। वन मोर थिंग जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो होता है पैराग्राफ शेडिंग। सो हम पैराग्राफ शेडिंग को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ शेडिंग के लिए हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, देन ये शेडिंग का जो हमारे पास आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे इससे हमारा पैराग्राफ शेड आउट हो जाएगा, लाइक दैट। देखें हमारा पैराग्राफ शेडेड हो गया। और अगर हम इसको मतलब सेलेक्ट सारा मतलब सेलेक्ट ऑल भी ना करें तो इधर अगर हम प्रिकर्सर रखेंगे और यहाँ से शेडिंग को क्लिक करेंगे देन भी हमारा पूरा पैराग्राफ शेड आउट हो जाता है। वन मोर थिंग जो हम यहाँ देखेंगे वो है पैराग्राफ बॉर्डर्स। सो अगर हम इस पे एक प्रिकर्सर लेके जाएंगे और पैराग्राफ बॉर्डर्स के यहाँ ऑप्शंस हैं कि हम कहाँ कहाँ बॉर्डर करना चाहते हैं, मतलब बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, टॉप पे बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट पे देखें जिस जहाँ जहाँ मैं प्रिकॉर्सर को लेके जा रही हूँ वहाँ वहाँ बॉर्डर्स आ रहे हैं। राइट बॉर्डर ये देखें अब राइट पे बॉर्डर आ गया। अगर हम नो बॉर्डर हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं। अगर हम ऑल बॉर्डर्स ये देखें यहाँ पे मतलब सारा पैराग्राफ पे बॉर्डर आउट हो गया। और ये आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, ये इनसाइड होराइजन, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, इस टाइप के बॉर्डर्स। अगर हम पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर आउट करने चाहते हैं तो ये ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पैराग्राफ पे बॉर्डर्स बन गए हैं। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम देखते हैं हमें अगर सिर्फ बॉर्डर हमें चाहिए टॉप पे या जस्ट राइट पे बॉर्डर चाहिए तो यहाँ हम देखें राइट पे हमारे पास बॉर्डर आ गया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉर्टिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं रैंडम से, अब हम इनकी सॉर्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सॉर्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ्स है, अगर हम पैराग्राफ के चाहते हैं हेडिंग्स के या फील्ड वन इस पर ऑप्शन सेम है। सो हम पैराग्राफ की सॉर्टिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट इधर देखें टेक्स्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे नंबर नंबर वाइज हमने करनी है सॉर्टिंग या डेट वाइज। सो हम टेक्स्ट वाइज सॉर्टिंग कर रहे हैं तो टेक्स्ट को इसको रहने देंगे
और इसको हम ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सॉर्टिंग हो गया अल्फ़ाबेटिकली, ए ए बी सी ई जी एल एंड यू, ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग हो गई है। और नेक्स्ट है हम बुलेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे, हमें बुलेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखें हम इधर ये बुलेट यूज़ करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, जो भी अगर हम चाहते हैं सो ऑन, जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन वो अप्लाई हो जाएगा लाइक दैट। अगर मैंने ये वाला बुलेट यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नंबरिंग आउट देना चाहते हैं तो उनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नंबरिंग पर जाएंगे, हम किस टाइप की नंबरिंग देना चाहते हैं ये देखें, इस टाइप में इसमें बहुत सारी वराइटीज़ हैं, ये देखें इस टाइप का नंबर देना चाहते हैं या इस टाइप के, यहाँ पे रोमन नंबर्स हैं, अल्फाबेटिकली नंबर्स हैं, बहुत सारे इधर वराइटीज़ हैं जिस तरह के आप नंबर देना चाहते हैं, वहाँ उस पर क्लिक करेंगे और वो उस टाइप की नंबरिंग शो हो जाएगी लाइक दैट। मैं ये वाली नंबरिंग चूज़ करती हूँ तो ये नंबरिंग हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू सॉर्टिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग दी नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।